मामाश्री, अपने माता पिता की मृत्यु की संभावना से आपका बल कम नहीं हुआ? आपने अपना साहस किस प्रकार बनाए रखा? आपने अपने मन को किस प्रकार स्थिर रखा? पुत्र, जहां स्नेह होता है वहां मन विचलित होता ही है। जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, उन्हीं की मृत्यु का कारण बनना उतना ही पीड़ादायक होता है जितना अपनी संतानों की मृत्यु का कारण बनना होता है। किंतु एक सत्य मनुष्य सदा ही भूल जाता है कि सृष्टि का प्रत्येक कण ईश्वर का ही अंश है। इसीलिए तो वो परस्पर जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार फूल समग्र कक्ष को सुगंध से भर देता है, एक दुर्गंध देने वाला पदार्थ समग्र कक्ष को दुर्गंध से भर देता है, वैसे मनुष्य के सुख दुख सारे संसार को प्रभावित करते हैं। किसी एक का सुख सबको थोड़े सुख का अनुभव करवाता है, किसी एक का दुख सबको थोड़े दुख का अनुभव करवाता है। अर्थात विश्व में सुख और दुख एक सा होता है? हाँ पुत्र, ऐसा ही ईश्वर का निर्माण। और जब अधर्म बढ़ता है तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। एक कंस के कारण सारा यादव समाज दुख से भरा था, एक जरासंध के कारण समग्र आर्यवर्त में धर्म का नाश हो रहा था, और अब एक दुर्योधन के कारण समग्र कुरु राष्ट्र दुखी। पुत्रों, संसार में जब दुख बढ़ जाता है, कम लोग सुख का अनुभव करते हैं और अधिकतर लोग दुख का अनुभव करते हैं, तो संसार रोगी बन जाता है। ऐसे समय में उस रोग का उपचार करना ही पड़ता है। अपने आप का बलिदान देकर भी अधर्मियों का नाश करना अनिवार्य बन जाता है। ऐसे समय में ना संबंध देखा जाता है और ना ही प्रेम देखा जाता है, ना स्वार्थ देखा जाता है और ना ही सुख की आशा की जाती है। ऐसा ही समय अब आप सबके सामने, या तो महाराज पांडु के समग्र परिवार को बलिदान देना होगा, या महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा किए जा रहे अधर्म को स्वीकार करना होगा। निर्णय आप सबका ही है। फल का स्वाद वृक्ष को प्राप्त नहीं होता। कदाचित वैसे ही इस बलिदान का लाभ आप सबको ना अपने हृदय में झांको। क्या इतनी करुणा है वहां? क्या इतना धर्म है आत्मा में कि सारे समाज के लिए अपना बलिदान देने का निश्चय कर सको? इस विषय पर आप सब विचार कीजिए।